मुरैना जिले के पोरसा सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में एक जख्मी महिला के घाव पर रुई की जगह कंडोम का खाली पैकेट चिपकाने का मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में महिला के सिर पर पहले से बंधी पट्टी को खोला गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुरैना जिला स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग महिला अपने सिर के घाव की पट्टी कराने आई थी। इस दौरान जख्मी महिला के सिर के घाव पर डॉक्टरों ने रुई की जगह कंडोम का खाली पैकेट लगा दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंची। मामले का वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार मुरैना जिले के पोरसा इलाके के धर्मगढ़ गांव में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला के सिर में चोट लग गई थी। घर में छत की ईंट उसके सिर पर गिर गई थी, जिससे सिर में गहरा घाव हो गया था। खून बहना बंद नहीं हो रहा था। बताया जा रहा है कि परिजन से लेकर पोरसा अस्पताल पहुंचे, जहां उसके घाव की पट्टी की गई। इसके बाद बुजुर्ग महिला जिला अस्पताल मुरैना पहुंची। जिला अस्पताल में जब महिला के सिर की पट्टी खोली गई तो डॉक्टर और कंपाउंडर दंग रह गए। दरअसल घाव वाले स्थान पर रुई के स्थान पर कंडोम का खाली पैकेट चिपका हुआ था। वहाँ पे पदस्थ डॉक्टर धर्मेंद्र राजपूत की इमरजेंसी ड्यूटी थी और वहाँ पे वार्ड बॉय अनंत राम की ड्यूटी थी। और ये है, उसने कंडोम का पैकेट उसके ऊपर रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें, इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। मामले ने तूल पकड़ा तो मुरैना एडीएम नरोत्तम भार्गव ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कहा कि मामला हमारे संज्ञान में आया है, मैंने पूरा वीडियो देखा है, सीएमएचओ से इस बारे में बातचीत की है, जाँच जारी है, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार न्यूज।